मुंशी को बोल दिया है ललिया के उसमें इलाज में जो भी पैसा लगेगा ले लेना। छोटे, अरे बाहर जा रहा है, है? पत्नी से ऐसे मुंह नहीं फुलाते बेटा। मिले मिलो। गले मिलो, हम कह रहे हैं ना तुमको, गले मिलो। त्रिलोकी गज चलो। अरे पति पत्नी को आपस में बात करने दो ना, थोड़ा प्राइवेसी चाहिए, समझे? हाँ चलो चलो छोटे, बॉन वॉयज। सुनी, आप बाहर जाने का अचानक प्रोग्राम बना लिए, वो भी हमें बिना बताए, इतनी दूर दुबई। कब वापस आएंगे? ये हम कह रहे थे कि करवा चौथ है और आपके बगैर तो ठीक ही तो है भाई, हम तो जलाद बड़ा तेवर में जाके अपने लौंडों के साथ उनकी टीम में भर्ती हो गई। ठीक है नहीं, अब हमार का जरूरत है? जवान तीन तीन लौंडे हैं, बहुए हैं, दामाद है, नहीं ठीक, उन्हीं के साथ रहो अब तुम। हम तो अब जा रहे हैं, जा रहे हैं, तुमको समझ में आएगा। अब ये काम करना सुकलाइन, शाहरुख खान के नाम से ना इस बार करवा चौथ रख लेना। जा। सुनी, हम जानते हैं ना आपके दद्दा हैं घर में, हमें बहुत डर लग रहा है आप ऐसे हमें अकेले उनके साथ छोड़ के। दद्दा है वो हमार, तुम्हार जेठ, इज्जत दो उनको। और यदि दिल से इज्जत ना निकले ना तो बस एक बात याद रखना, जो कुछ अपने पास है ना वो सब बटवाए लेंगे वो, और ये घर नहीं सुख लेंगे। सुखलाइन, हम सिर्फ घर व्यापार की बात नहीं कर रहे हैं, घर व्यापार के अलावा भी बहुत कुछ वो हमसे ले सकते हैं, याद है ना? याद दिलाएं। इसलिए तुम अगर उसे अपने पास रखना चाहती हो तो जैसा कह रहे हैं वैसा करती जाओ। मान लो कुछ दिन की बात है, झेल लो। छोटे की बहू, छिप काहे रही हो? रुको,
ये लो, ये कागज और ये कलम। देखो, हम पूछेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। घर में तीन तीन बहुएं हैं, उनसे पूछ के इस कागज पे लिख दो कि महीने में किस किस दिन उनकी माहवारी है। क्या है कि हम 20 साल बाद लौटे हैं ना, लेकिन बदले नहीं है। आज भी उन 4 दिनों में औरतों का रसोई घर में या मंदिर में जाना पसंद नहीं है, समझी? क्या हुआ? पर घबरा क्यों रही हो? कल तक लिख के दे देना। अभी तो हमारा सिर्फ कमरा छीना है, आगे जाके पता नहीं कहाँ कहाँ छीनेगा। अरे यार, तुम टेस्ट भी मत बढ़ाओ, चुपचाप खाना खाओ। बात बोले अम्मा, हमारा ही कमरा कहाँ है? राधे क्यों नहीं है? कृष्णा तो जा रही है ना, और ये साला फिर से छड़ा हो जाएगा। तो भाई राधे कमरा दीजिए ना बड़े पापा को, हमारा क्यों? 20 साल पहले जो सब हमने सहा वो अब कोई नहीं सहेगा। नहीं बिला, तुम उस कमरे में नहीं जाओगे। भाई साहब के कमरे में नहीं जाओगी? हाँ। अरे यार अम्मा, तुम भी गजब करती हो। एक तो कमरा छिन गया, ऊपर से तुम इसको कह रही हो कि कमरे में नहीं जाएगी। जाएगी कहीं नहीं जाएगी, वो नौटंकी चल रही है क्या? बेला, जब तुम्हारा दिल करेगा तब तुम जाओगे। हाँ। मतलब हद ही हो गई है तो। पापा जी लौटेंगे ना, हम उनसे बात करेंगे। अब त्रिलोकी, शोर काहे मचा रहे हो? पता है ना ललिया सो रही है। भैया हम तो बस। सही है, एकदम सही है। ललिया भाभी अपने कमरे में सो रही है और वहां वो महारानी कृष्णा चौरे होकर अपने कमरे में एक हमें लफू जन्ना बने घूम रहे हैं। अम्मे भैया, चलो जी, हम ना गुरुद्वारे का लंगर खाएंगे अब से और वहीं सोएंगे। अरे यार लाओ दो। क्या हुआ अम्मा, बहुत परेशान लग रही हो? हाँ हाँ, नहीं वो गज्जू बेटा, नहीं हाँ, हमको तुमसे कुछ कहना है, कुछ बात। बोलो ना। नहीं, नहीं नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ, तू इतना थका हुआ लग रहा है? हमसे ज्यादा तो तू परेशान लग रहा है, क्या हुआ? बैठ, बैठ, बैठ। गज्जू,
क्या हुआ बेटा, क्या बात है? घबरा गया हूँ मम्मी जी, कहीं ललिया को कुछ हो ना जाए। पहले उसकी बीमारी, फिर पापा जी ने जो ललिया के साथ किया, दिमाग जम सा गया है। अगर कृष्णा यहां ना होती ना, तो न जाने क्या हो जाता। भले ही तीन लड़के हैं इस घर में मम्मी जी, लेकिन जो काम हमें करना चाहिए था वो कृष्णा ने किया। थक गए हैं मम्मी जी, हम थक गए हैं मम्मी जी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।